राज्यसभा के लिए रिक्त एक सदस्य के लिए 14 दिसंबर को मतदान होने हैं। पूर्व केंद्र मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई बिहार की राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने इस चुनाव के लिए 14 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। भाजपा कोटे से राज्यसभा भेजे गए रामविलास पासवान के निधन के बाद रिक्त स्थान पर NDA का हक है। भाजपा की तरफ से इस सीट को भरा जाना है। इस चुनाव को लेकर भाजपा में उथल पुथल शुरू हो गई है। आपको बता दें कि रेस में कई नाम हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व राज्यसभा को लेकर फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। इसके सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। राज्यसभा के लिए भाजपा के कई नेताओं के नाम रेस में चल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, पूर्व केंद्र मंत्री शहनवाज हुसैन और भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा का नाम सबसे आगे है। सुशील मोदी पिछले सप्ताह तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा जा सकते हैं। भाजपा इनके नाम पर मुहर लगा सकती है। माना जाता है कि सुशील मोदी से उप मुख्यमंत्री का पद इसलिए लिया गया क्योंकि उन्हें कद को केंद्र में बढ़ाया जा सकता है। लेकिन भाजपा यह भी जानती है कि बिहार में NDA के लिए सुशील मोदी ही एक कड़ी जोड़ है जो JDU और भाजपा को तालमेल को बनाए रखने में उपयोगी है। ऐसे में इनका बिहार की राजनीति में रहना जरूरी माना जा रहा है। वहीं बिहार विधान परिषद के सुशील कुमार मोदी को आचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी समिति की गिनती बिहार विधान परिषद के ताकतवर समितियों में होती है। इसके अध्यक्ष बनाने से साफ हो गया है कि सुशील कुमार मोदी की राजनीति में लगातार सक्रिय रह सकते हैं। दूसरा नाम है शहनवाज हुसैन। बिहार भाजपा की तरफ से एकमात्र अल्पसंख्यक चेहरा शहनवाज हुसैन भी राज्यसभा के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। लगातार सत्ता से दूर रहे शहनवाज हुसैन को राज्यसभा का सदस्य बनाकर उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। बंगाल चुनाव और सीमांचल के स्थिति को देखते हुए शहनवाज हुसैन इस समय राज्यसभा के लिए एक माकूल नाम है। भाजपा को शहनवाज हुसैन को केंद्र में ले जाने पर बंगाल चुनाव और UP चुनाव में फायदा मिल सकता है, इसलिए इसका नाम चर्चा जोरों पे है। ऋतुराज सिन्हा। बिहार भाजपा के युवा नेता ऋतुराज सिन्हा को भी पार्टी राज्यसभा भेज सकती है। ऋतुराज सिन्हा देश के सबसे बड़े सुरक्षा कंपनी के मालिक हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कई मंचों से ऋतुराज सिन्हा की तारीफ की है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान पटना साहिब से ऋतुराज सिन्हा का ही नाम तय माना जा रहा था, लेकिन अंतिम समय पर रविशंकर प्रसाद का नाम पर मुहर लग गई। ऋतुराज सिन्हा भाजपा के कद्दावर नेता RK सिंह के पुत्र हैं। फिलहाल वह भाजपा घोषणा पत्र समिति के सदस्य हैं।